काल्टी मैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में जॉब किया सिक्स ईयर उसके बाद उन्होंने क्या है मैं भी कोई और कंपनी में नौकरी किया नौकरी करने का बाद नौकरी के सिलसिला में मेरा जो कंपनी का एमडी है उनके कंपनी में मेरे को भेजा है जो कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन का नंबर और मेरा जो हस्बैंड है सौरभकंत तिवारी जी का नंबर देखे उसके बाद मिस्टर जॉन से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया मेरा हस्बैंड से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया तिवारी जी से मेरा मीटिंग फिक्स हो गया केमिकल का एक डील थी उसके बाद मीटिंग तो उनके साथ मैंने मीटिंग हुआ है मीटिंग के बाद उन्होंने क्या है मेरे को डरेक्ट प्रपोजल किया है जय तुम मेरे को शादी करोगी मैंने बोला देखिए सर आप तो उम्र में भी बड़ा है आपका पोजीशन हाई है आप आपका धर्म भी चेंज है नहीं हो सकती है फिर बोला नहीं मैं धर्म चेंज कर दोगी तो शादी करोगी मैंने बोला करके तो दिखा ऐसे ही बोला है ऐसा कोई या नहीं है जे मैंने उनको या किया तो उसके बाद उन्होंने मार्च में देख मिली हूँ अप्रैल ग्यारह अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका पासपोर्ट का सारे डिटेल्स देखे पासपोर्ट जमा दिया उसमें जाकर उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया एवं खुद मर्जी से वो एविडेपिट भी, भी इंग्लिश में है उनको पढ़ाया है उनको बहुत सवाल जवाब भी किया है खुद मर्जी से उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया उसके बाद तेरह अप्रैल में उन्होंने अगरतला बॉर्डर आया है दो में वो जो शादी से पहले अंगूठी का नोज पिन खाने दूल ये सब खरीदना पड़ता वो सब उन्होंने मेरे को लिए लेकर आया चौदह अप्रैल दो में बैतुल में मस्जिद बांग्लादेश में बैतुल बैतुलमकार मस्जिद पर हम दोनों का निका हुआ है उस आपके में नहीं 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 कोई दवा नहीं है देखिए आप लोग आप खूब या जस्टिफाई करिए जे एक आदमी के साथ इतनी जबरदस्ती हुआ हनी ट्रैप हुआ है इतनी कुछ हुआ है तो दो साल के बाद जब मैं हमारा जो बच्चा है अन्नू को लेके इंडिया आ गया तीन अगस्त उसके बाद उनको याद आ गया इससे पहले कहाँ थी इससे पहले भी उन्होंने दो बार बांग्ला इंडिया में आ चुकी है ऐसा नहीं है जो उनको जबरदस्ती अच्छा जबरदस्ती हनी ट्रैप कराया तो उसको इंडिया ही नहीं आने देती रख देती, एक तो बोलती है चाय वाली की लड़की हूँ हनी ट्रप किया है, भाई एक चाय वाली लड़की का औकात है, हनी ट्रप करने का उसके लिए भी तो बहुत बड़े घर का होना चाहिए तो आप उनसे ही सवाल पूछिए ना जो कहा थी इतनी दिन आप जे आपको याद नहीं आया अभी आ, याद आ गया है नहीं नहीं वो तो मेरे को ये बात छुपाया है पहले बोला है उसका पत्नी मर गया उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब उन्होंने बताया जो मेरा पत्नी है दो बेटा है उसके बाद भी उन्होंने झूठ बोला है जब मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होती है मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है होती तो तो आती नहीं है इंडिया में बांग्लादेश में तो ये मेरे को एहसास दिलाया है मैं बहुत रोया था उनके से रिश्ता भी तोड़ने गया था मैं फंदा भी लगाने गया था तब मैं प्रेगनेंट हूँ फिर उन्होंने बोल रही है तू आप तो मुस्लिम है एक तो तेरा पहला शादी है पहला बच्चा है तू तो मेरे को नहीं छोड़ के नहीं जा सकती है कभी जिंदगी में उसके बाद माफ़ी मूवी भी मांगा है मैंने उनको माफ़ भी कर दिया क्योंकि मैं गर्भवती थी उस टाइम पे मेरा फर्स्ट शादी है मेरा फर्स्ट बेबी है तो अब तो समझती है जो मैं कितनी यहाँ थी फिर उसके बाद तो बहुत अच्छे से मेरा शक्सर चला है चौबीस दिसंबर दो में उन्होंने मेरे को छोड़ के हमारा बच्चा को छोड़ के कंपनी क्वार्टर में छोड़ के आ गया है उस टाइम पे भी उन्होंने बोला है जब मैं आ जाऊंगी सोना मेरे को सोना बुलाती है सोना मैं आ जाऊंगी तो बच्चा का ध्यान रखना बाबा का ध्यान रखना तेरा ध्यान रखना तो अपनी घर चली जाना कंपनी को ऑटर छोड़ के मैं आ जाऊँगी हाँ हाँ बात हुई है ना जब एकदम लास्ट टाइम पे वो आने से पहले चार बार गए हैं रचना शर्मा तो उन्होंने मेरे से इससे पहले बात भी किया है आ, उसके बाद उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बात है बहुत कुछ बोला है मेरे को गाली दिया है जो आप लोग ही समझ पाएगी क्योंकि हिंदी तो सब गाली मुझे मैं जानती नहीं हूँ मीनिंग क्या है तो उन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली दिया है उसके बाद उन्होंने लास्ट एक बार नवंबर में उनसे मिली हूँ नवम्बर दिसंबर में दिसंबर शुरू से बांग्लादेश गए हैं तब हस्बैंड ने दोनों को बैठा दिया जे तुम दोनों आपस में बैठ के बात करो हम दोनों को ही रखना चाहती हूँ तुम दोनों बैठ के बात करो तो रचना शर्मा मेरे को बहुत सारा सवाल पूछिए है मेरे को बोल रही है चल हम दोनों मिल के उसको डिवोर्स दे देते मैंने बोला नहीं मैं नहीं डिवोर्स दूंगी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है इसको पापा का ज़रूरत है मैं ये भी नहीं बोला जब आप डिवोर्स दे दो मैंने बोला दीदी दी देखो आपके साथ भी गलत हुआ है मेरे साथ भी गलत हुआ है अब अच्छी है जो उनको माफ करके हम दोनों एक साथ रहती हूँ कहीं नहीं मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ एक काम करती हूँ मेरा दो बच्चा तेरे को दे देती हूँ कल हाँ ठीक है दे दीजिए मैं पाल लूँगी यही बोल के आया फिर उन्होंने बोला है क्या मैं इस डिवोर्स दे दूँगी तो दोनों को भी हाँ हाँ मैं बच्चा से कोई नफरत नहीं है मुझे क्योंकि जो किया है मेरा पति ने किया है मेरे को ठकाया है जो किया है उनका एक बेटा भी मेरे पास है तो उनका बच्चे से मेरे को क्यों नफरत होगी क्योंकि वो तो मेरा हस्बैंड का ही बच्चा है ना बाप तो एक है ना माँ अलग हो सकती है बाप तो एक है ना तो नहीं मुझे नहीं, नहीं कहे मैं मैं चाहती हूँ देखिए मेरे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है मेरे ज़िंदगी तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा को उसको बाप मिले उसको पापा का प्यार मिले दो भाई का भी प्यार मिले परिवार मिले मैं मेरा बच्चा का हक चाहती हूँ मेरा भी हक़ चाहती हूँ जब पापा मम्मी के साथ मेरा बच्चा बड़ा हुआ उनसे यही मेरे को रिक्वेस्ट है